Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss Bachelor of Commerce General ka assignment hai BCOS 183 Computer Application and Business. ये 1 जुलाई टू 30 जून तक रहने वाला है असाइनमेंट. तो इसके हम लोगों ने कुछ पार्ट वैसे ही डिस्कस कर लिए थे, सेक्शन ए सेक्शन बी. नाउ इट्स टाइम फॉर सेक्शन सी टू डिस्कस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 चार पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे. वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है, गूगल शीट से आप क्या समझते हो, उनकी यूजेबिलिटी बतानी. तो गूगल शीट जो होती है फ्री एक स्प्रेडशीट होती है, जो कि इजीली जितने भी लोगों से शेयर की जाती है वो आराम से उसको ओपन करके एडिट कर सकते हैं, आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और जो भी एडिटिंग वगैरह होती है वो अगर एक पर्सन एडिट करता है तो वो हर एक के लिए एडिट हो जाती है, हर एक के लिए वो रीराइटेबल होती है. तो गूगल शीट फ्री वेब बेस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, ठीक है. एंड्रॉयड में, विंडो, आईओएस में, ब्लैकबेरी में यूज़ की जा सकती है. एडिटिंग मैंने आपको बता दिया कि जो भी यूजर्स होते हैं वो चेंज करते हैं वो हर एक के लिए सेव हो जाता है. एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, एक्सप्लोर है ये पहली बार सितंबर 2016 में यूज़ हो गई थी और इसको ऑटो अपडेट आराम से अपने आप हो जाता है. ऑफलाइन एडिटिंग भी रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ये आप इसको अपडेट कर सकते हो, तो एक बेनिफिट है. सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट, इसमें कई सारे फाइल फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह, बी एक्स एल एस एक्स, ये सब देख सकते हो आप. ये सारे फाइल फॉर्मेट है जो कि इससे सपोर्ट किए जाते हैं. 5 मार्क्स का है तो इतना मोर देन इनफ होगा. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आप एक ऑप्शन एक्सप्लेन करो कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट को सिक्योर कर सकते हो जब आप एक दूसरे को शेयर कर रहे हो. तो ये शेयर फाइल है, एक सिट्रिक्स शेयर फाइल है, जो कि आसानी से क्या की जा सकती है, एंटीवायरस प्रोटेक्शन वगैरह भी होती है और यूजर्स इसको आसानी से हैक भी नहीं कर सकता, ये वाला है. इसमें फायरवॉल सेफ्टी मेजर भी होता है. नेक्स्ट वन इज इग्नाइट है. इग्नाइट एक हाइब्रिड क्लाउड है, लोकल स्टोरेज सॉल्यूशन, जिसको आसानी से फाइल को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. शुगर सिंक भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है इनकी तरह, जिसमें आपकी फाइल सिक्योर रहती है 256 बिट AES इंक्रिप्शन के साथ, ठीक है. और फाइलों की तरह इसमें ज़्यादा आप सिक्योर फाइल कर सकते हो. अच्छा, अब बताना है SLN और DB मेथड में क्या फ़र्क होता है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं. तो सबसे पहले इसको SLN और DB मेथड को आप किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो नॉर्मल सी चीज़ है, जो SLN मेथड होता है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये टेक्स्ट पर्पस से काम नहीं होता, जबकि DB मेथड टेक्स्ट पर्पस से काम होता है. ये जो मेथड होता है यहाँ पे रिपेयर चार्जेस आर लेस होते हैं, यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्री रिपेयर वगैरह भी होती है. यहाँ पे आसानी से आप क्या कर सकते हो, जो आपका डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू होती है वो जीरो हो सकती है, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होती. यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें अमाउंट फिक्स रहती है, यहाँ पे फिक्स नहीं रहती. तो दैट इज द डेप्रिसिएशन डिफरेंस. अब यहाँ पे बात करते हैं कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं. तो आप पहले मेथड को, फंक्शन को बता दिए. यहाँ पे इक्वल टू में SLN कॉस्ट सैलवेज लाइफ, ये एग्जाम्पल देके आपको बता दिया, आसानी से आप इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज DB फंक्शन, जिसका दे रखा है कि DB इक्वल इक्वल टू DB कॉस्ट सैलवेज लाइफ पीरियड मंथ, इसमें इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं. तो दोनों ही मैंने आपको मेंशन करके बता दी कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है लुकअप, एच लुकअप और वी लुकअप को आपको एक्सप्लेन करना है. तो लुकअप फंक्शन को पहले बता दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, उसका एक एग्जांपल दे दिया और उसका मैंने एक फॉर्मूला मेंशन कर दिया. ऐसे ही एच लुकअप हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है और जो वी लुकअप और एच लुकअप में एक ही डिफरेंस होता है कि एच लुकअप
आपका हॉरिजॉन्टल पर्पस से काम आता है, और जो वी लुकअप होता है ये आपका वर्टिकल पर्पस से काम आता है। उसका एक फॉर्मूला दे दिया और वी लुकअप को मैंने एक्सप्लेन करके उसका एक फॉर्मूला दे दिया। तो ये था आपका जो मेनली हमने बात करी एक पॉइंट की, जिसमें हमने VCOS आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट असाइनमेंट की। तो आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे वीडियो एज मोर एज पॉसिबल। बाकी आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।